फ्रेंड देखिए, ये हमारी करेला दो प्याजा सब्जी कितनी खूबसूरत दिखाई दे रही है। अतिशय चविष्टा है, पौष्टिका है आणि खूबच मस्त वाटणारी रेसिपी आहे आणि बनवायला अगदी सोपी आहे। बहुत ही सिंपल तरीके से बहुत ही कम इन्ग्रीडियंट के साथ में इस रेसिपी को बनाया गया है। ये रेसिपी आपको निश्चित ही पसंद आएगी और झटपट रेसिपी है। बहुत ज़्यादा मसालों का भी यूज़ नहीं किया है हमने, तो ये रेसिपी आप निश्चित ही ट्राई करें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आने वाले हर वीडियो की अपडेट, नोटिफिकेशन, सूचना आपको मिलती रहे और मेरे आप अच्छे अच्छे से वीडियो देखते रहे। तो फ्रेंड, समोर कंटिन्यू करूया रेसिपीला। आप देखें किस तरह से हमने इसे बहुत ही सिंपल और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ में इसे तैयार किया है, तो हम इसे आगे कंटिन्यू करते हैं। आइए फ्रेंड, आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, कई बार कैसा होता है कि कुछ कुछ जो सब्जियां होती है वो हमारे घर के बच्चे लोग खाना पसंद नहीं करते, क्योंकि उनको वो ये कह सकते हैं कि वो जो सब्जी में जो एक टेस्ट आना चाहिए वो टेस्ट नहीं आ पाता है। तो किसी भी सब्जी को हम अगर अच्छे तरीके से बनाएं तो वो सब्जी अच्छी ही बनती है। और इसमें क्या होता है, करेला एक ऐसी सब्जी है जो कि बहुत ही कम लोगों को पसंद में नहीं आती है, बहुत कम लोगों को पसंद आती है। तो करेले सब्जी को हम अच्छी तरीके से बनाएं और करेला कितना गुणकारी है, कितना पौष्टिक है, क्यों हमने खाना चाहिए, ये अगर हम बच्चों को बताएं, आने वाली जनरेशन को बताएं, तो क्या होता है कि वो भी करेले को अच्छी तरह से बनाकर और उसे खाना पसंद करेंगे। करेला क्या होता है मेन कि उसको कड़वेपन की वजह से वो रेसिपी ज़्यादा करके लोगों को पसंद नहीं आती, लेकिन अगर करेले में कड़वापन नहीं होगा ना तो रेसिपी करेले के खाने में बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी होगी। तो फ्रेंड, आज मैं आपके साथ में करेला दो प्याजा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अब करेला दो प्याजा क्यों कहा है मैंने यहाँ पर, क्योंकि एक करेला लेते हैं तो उसके साथ में हम दो प्याज लेने वाले हैं। अब दो प्याज लेने का रीज़न क्या है, प्याज को किस तरह से भूनना है, क्या करना है, तो ये आपको मैं बताती जाती हूँ। तो इस तरह से आपको सबसे पहले क्या करना है, करेले को अच्छे से धो के इस तरह से इसके पीसेस काट लेना है। इस तरह से हम बीच में से दो चीरे लगा लेंगे उसके करेले के, और आधा आधा सा इस तरह से पोर्शन काटना है। तो इस तरह से हम काट लेंगे और हमको कड़वा नहीं बनना चाहिए। इसके लिए क्या करना है, बहुत सारे लोग इसको नमक के पानी में उबालते हैं या फिर कुछ इसका पानी जो कड़वापन रहता है उसको निचोड़ लेते हैं, तो इससे क्या होता है, उसका जो गुण होता है या जो उसके पोषक तत्व होते हैं वो पोषक तत्व हमारी बॉडी को नहीं मिल पाते हैं। तो अभी हमको क्या करना है, ये इसको करेले को हमको ना तो नमक के पानी में उबालना है ना निचोड़ना है, इसी तरह से हम इसे बनाने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पर दो करेले लिए हुए जिसको इस तरह से काट लिया है, और यहाँ पर मैंने चार प्याज लिए हुए थे जिसे इस तरह से लंबे से काट कर और यहाँ पर मैं फ्राई कर लेने वाली हूँ। तो फ्राई करने से क्या होता है, इस तरह से प्याज को हम फ्राई करते हैं तो इसमें जो कैरेमल होता है वो कैरेमलाइज हो जाते हैं, यानी मिठास आ जाती है। और इस तरह से अच्छे से भून लेने से क्या होता है, इसका मीठापन और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अभी मैं देख पा रहे हैं इसे लाल लाल सा भून लिया है मैंने। अभी हमको क्या करना है, यहाँ पर जो मैंने करेले लिए हुए हैं उन करेलों को यहाँ पर मैं डाल दूँगी और इन करेलों को प्याज के साथ में इसी तरह से भून लेना है। तो हमको ये करेले भी कैसे लाल या गोल्डन कलर में इस तरह से भून लेना है। अभी हम करेले को प्याज के साथ में इस तरह से भूनेंगे ना तो जो प्याज का कैरेमल है वो करेले में लग जाएगा और इसकी जो पौष्टिकता है वो भी कम नहीं होती है और इसमें जो कड़वापन है वो कड़वापन भी नहीं लगने वाला है हमको। तो इस तरह से मैं यहाँ पर करेलों को अच्छे से भून लेती हूँ प्याज के साथ में। प्याज के साथ ही भूने आप करेले को, जिससे आपको बताए ना कि इसकी जो प्याज की मिठास होती है वो करेले में इंसर्ट हो जाती है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से बनाने वाले हैं हम करेले की सब्ज़ी। बहुत ज़्यादा मसाला नहीं है इसमें, या नहीं है ही नहीं मसाला, और सिर्फ कुछ ही इंग्रेडिएंट की सहायता से हम इसे बिना कड़वे करेले की रेसिपी बनाने वाले हैं। और ये रेसिपी इतनी ज़्यादा अच्छी बनती है, टेस्टी बनती है कि एक बार इस तरह से करेले बना लिए तो फैमिली के जो मेंबर करेला नहीं खाते हैं या घर के बच्चे जो होते हैं वो नहीं खाते हैं,
नहीं खाते हैं वो भी खाने लग जाएंगे। तो इस तरह से ये रेसिपी, हाँ, करेला बनाते समय बच्चों को इसकी पौष्टिकता के बारे में ज़रूर बताएं, क्योंकि इससे करेले में जो गुणकारी तत्व होते हैं, इससे जो शुगर होती है वो शुगर कंट्रोल की जा सकती है, और इससे रक्त शुद्ध होता है, और उसमें उसके अलावा इसमें रिच फाइबर होने से डाइजेशन भी इम्प्रूव होता है, और ये खाना हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। और भी बहुत सारी बातें होती है जो कि मेन मैंने आपको यहाँ पर बता दी है, तो इस तरह से आप इनको ध्यान में रखें। अभी मैंने यहाँ पर 2 मुट्ठी के करीब मूंगफली के दाने लिए हैं, और इसको क्या करेंगे, दरदरा सा पाउडर बना लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, ये दरदरा सा पाउडर बना लिया है, और यहाँ पर मैंने मूंगफली के दानों के छिलके नहीं निकाले हैं। अभी देखिए यहाँ पर इस तरह से करेला हो गया है, इसे हम हाथ से छू के देखेंगे ना तो आप देख पाएंगे कि ये आधा पक गया है करेला। तो अभी हमको क्या करना है, यहाँ पर मैंने एक टोमेटो लिया हुआ है जिसे इस तरह से काट लिया है। तो इस कंडीशन में जब करेला आधा पक जाए उस समय आप टोमेटो यहाँ पर मिक्स कर दें, और इसे टोमेटो के साथ में थोड़ी देर के लिए 3 से 4 मिनट के करीब इसे पका ले अच्छे से। तो जो टोमेटो का मॉइस्चर होगा, जो इसका खट्टापन होगा, वो करेले में मिक्स हो जाएगा, जिससे करेला जल्दी पक जाएगा। तो इसे मैं अभी ढाक दूंगी और इसे पकने दूंगी। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, तो देख पा रहे होंगे टमाटर भी काफ़ी सा गल गया है यहाँ पर। अभी मुझे क्या करना है फ्रेंड, यहाँ पर मैं थोड़ा हल्दी मिक्स कर दूंगी, और लाल मिर्च पाउडर है उसे ऐड कर देने वाली हूँ। तो मैं यहाँ पर, आपको जितना तीखा पसंद हो उतना मिर्च पाउडर यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, और साथ में मुझे नमक डाल देना है, तो स्वादानुसार आप नमक ऐड कर दें यहाँ पर, और इसे मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी, और फिर से इसे कुछ मिनट के लिए, 2 से 3 मिनट के लिए पकने देंगे। देखिए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, करेला चेक कर लेते हैं पका है या नहीं। ये देखिए अच्छा सा दब रहा है करेला, यानी ये पक चुका है। अभी मुझे क्या करना है, यहाँ पर हमने जो मूंगफली के दाने लिए हुए हैं दरदरा पाउडर, उसको मैं यहाँ पर मिक्स कर दूंगी। और इसे अच्छे से मिला लेंगे। देखिए ये सब्जी खाने में जितनी टेस्टी लगती है ना, उसी तरह से दिखने में भी काफ़ी सुंदर है ये। तो हमेशा ही हर वीडियो में ही बताती हूँ कि हर रेसिपी टेस्टी तो बनाए ही, साथ में दिखने में भी सुंदर होना चाहिए। और फ्रेंड, ये मेरे घर पे जो करेले खाते हैं ना, जो लोग करेले की सब्ज़ी, उनकी फरमाइश पर ये रेसिपी दे रही हूँ, इसलिए आज मैंने फटाफट ये रेसिपी तैयार की है। अभी ये सब्ज़ी भी हो चुकी है, इसका प्लेटिंग कर लेंगे और इसे गार्निश कर लूँगी। ये सब्जी फ्रेंड करेले की होने के बाद में भी कड़वी नहीं मीठी लगने वाली है, तो इसे मैं मीठी करेले की सब्जी ऐसे नाम से पुकारती हूँ। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। तो फ्रेंड देखिए, ये बिना किसी तामझाम के, बिना किसी बहुत ज़्यादा मसाला के, सिर्फ कुछ ही इंग्रेडिएंट की सहायता से हमारी करेला दो प्याजा सब्जी बनके तैयार हो चुकी है। ये रेसिपी निश्चित ही आपको बहुत पसंद आएगी। इस रेसिपी को ट्राई करें और बच्चों को भी ये करेला खाना सिखाएं। आप इस तरह से करेले बनाएंगे ना फ्रेंड, तो घर के हर मेंबर को ये रेसिपी करेले की पसंद आएगी। ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है, दिखने में ही आप देख पा रहे हैं कितने ज़्यादा सुंदर दिख रही, इसी तरह से खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो फ्रेंड, मिलती हूँ मैं आपके साथ में नेक्स्ट रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।